वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के साल का बिगेस्ट डायनामाइट शो AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम शुरू होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर कुछ ऐसे रेसलर्स की बात करेंगे जो ग्रैंड स्लैम पर पॉसिबली डेब्यू कर सकते गए। वेल पहला नाम जो ग्रैंड स्लैम पर पॉसिबली डेब्यू कर सकता है वो WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शेन मैकमैन होंगे। गाइस, यहां पर पिछले 3 महीनों से AEW के अंदर शेन मैकमैन के डेब्यू के रूमर चल रहे गए और पॉसिबली आज AEW का ग्रैंड स्लैम वो शो हो सकता है जहां शेन मैकमैन AEW पर डेब्यू करे। वेल शेन मैकमैन के बाद जो अगला नाम पॉसिबली डेब्यू कर सकता है वो बॉबी लेस्ली एंड MVP होंगे। गाइस, यहां पर बॉबी लेस्ली के WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ही बॉबी लेस्ली और AEW के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही गए और ऑलरेडी यहां पर काफी सारे सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि बॉबी लेस्ली AEW के ज्वाइन करने को लेकर इंटरेस्टेड है और पॉसिबली AEW पर बॉबी का डेब्यू होगा बट बॉबी लेस्ली के बाद। अगला नाम मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल का होगा। गाइस, यहां पर जिंदर महल करंटली AEW के कॉन्ट्रैक्टेड सुपरस्टार सतनाम सिंह के साथ लुचा लिब्रे AAA में टैग चैंपियन है और जिंदर महल के AEW में डेब्यू करने के हाई चांसेस है। बट गाइस, डेफिनेटली यहां पर जिंदर महल के बाद बेकी लिंच भी एक ऐसा नाम है जिसके AEW में आने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही है और वैसे तो यहां पर बेकी के WWE पर रिटर्न के हाई चांसेस है बट मे बी यहां पर बेकी लिंच AEW के ऊपर उनका शॉकिंग डेब्यू करे। वेल गाइस, बेकी लिंच के बाद WWE के फॉर्मर सुपरस्टार गोल्डबर्ग भी एक बड़ा नाम है जिसके पिछले काफी सालों से AEW में आने को लेकर रूमर रहे और शायद यहां पर गोल्डबर्ग AEW के ऊपर डेब्यू करे। और फाइनल नाम जो यहां पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से ओपन है वो यहां पर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार राइबैक है। वाल आपको क्या लगता है, इनमें से कोई डेब्यू करेगा या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे।